मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, यू आर वेलकम ऑनलाइन क्लासेस फॉर उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज। टुडेज क्लास विल बी स्टार्ट ऑफ बीएससी थर्ड ईयर्स क्लासेस। छात्रों, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में फर्स्ट पेपर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी में हनी बी के बारे में पढ़ाएंगे। हनी बी में आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन की सोशल ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज़। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हम हनी बी में क्या क्या कास्ट दिखा सकते हैं। तो छात्रों, आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है आपका हनी बी। हनी बी में आपका है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो मेन है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होता है सामाजिक तौर पे हम किस तरीके से आपको हनी बी के बारे में बताएंगे छात्रों। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे हमने आपको टर्माइट्स कहा था, टर्माइट्स के आधार पे हनी बी भी एक आपका सामाजिक कीड़ा है। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हनी बी में हमने आपको स्पीशीज के बारे में बताया था, जैसे कि आपका एपिस डार्सेटा, एपिस जो है इंडिका, एपिस मिलीफेरा। तो इस तरीके से हमने जो आपको चार स्पीशीज के बारे में विस्तार पूर्वक आपको समझाए थे कि कौन सा स्पीशीज कितना हनी जो है प्रोड्यूस करता है, तो छात्रों उसी के आधार पे आज हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी के बारे में बताने चल रहे हैं। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हम कह सकते हैं कि ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर एज फाउंड इन द कॉलोनी ऑफ हनी बी, ए गुड एंड वेल डेवलप कॉलोनी ऑफ बीस हैड टू 40 to 50,000 इंडिविजुअल कंसिस्टिंग ऑफ थ्री कास्ट। तो इसमें आपको मेनली जो लेबर इज फाउंड इन द हनी बी इज द 40 to 50,000 इंडिविजुअल कंसिस्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ थ्री कास्ट। मीन्स आपको जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे जो लेबर ऑफ हनी भी हैं उनके आधार पे 40 से 50,000 जो इंडिविजुअल आपके कॉलोनी के आधार पे जो है, इनमें जो है थ्री कास्ट को डिवाइड किया गया है। थ्री कास्ट में आपका जो, जैसे पहला है आपका क्वीन, सेकंड है आपका क्वीन के बाद जो है क्वीन, किंग एंड वर्कर। तो किंग को आप ड्रोन के नाम से भी जान सकते हैं, और तीसरा है वर्कर। तो छात्रों, ये हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे हनी बी के तीन कास्ट दिए गए हैं, जिसमें पहला कास्ट आपका क्वीन है, दूसरा ड्रोन है, और तीसरा वर्कर है। अब छात्रों, यहाँ पे जो क्वीन की बात है, जो पहला पॉइंट आपका क्वीन है, अब क्वीन मतलब आप जानते हैं कि रानी मधुमक्खी होगी। अब रानी का जो कार्य होता है वो आपको फर्टिलाइज एग जो है उत्पन्न करते हैं, और फर्टिलाइज एग्स में, जैसे आप कहते हैं कि जब भी क्वीन एक तरीके से एक रिप्रोडक्टिव कास्ट है, वो एग्स को प्रोड्यूस करती है, फर्टिलाइज को प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे जो आपके वर्क है, द क्वीन आफ्टर फर्टिलाइजेशन लेज
फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज, जो क्वीन का काम है वो आपके फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग्स को लेइंग करने का काम करते हैं। फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग्स मेल बीज इमर्ज विच आर नोन एज ड्रोन, जो अनफर्टिलाइज एग्स हैं वो आपके ड्रोन उसको जो है एक तरीके से इमर्ज करते हैं। When which are known as drones, where are from the fertilized eggs water bees are produced, the worker when feed on royal jelly, तो worker जो है वो एक तरीके से royal jelly को feed करने का काम करते हैं छात्रों। तो यहाँ पे जो queen है, queen के बारे में हम अलग से लेके चलेंगे कि जो queen है it is well developed फर्टाइल फीमेल प्रोवाइड विथ डेवलप ओवरी, ये क्या करते हैं कि फर्टाइल एक्स फर्टाइल फीमेल प्रोवाइड विथ प्रोवाइड विथ डेवलप ओवरीज। ये एक तरीके से क्वीन जो होता है एक फीमेल फर्टाइल जो कि ओवरी को जो है मेंटेन करने का काम करता है, ओवरी को डेवलप करने का काम करेगा। इट इज़ कॉमनली वन क्वीन इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द ईच हीब, एक कॉमनली वन क्वीन, commonly one queen is found to present each heap. तो छात्रों एक छत्ते में एक क्वीन रानी जो है पाई जाती है, और क्वीन जो होती है वह क्या करती है कि ओवरीज को वह डेवलपमेंट का काम करती है, वो फर्टिलाइज एग्स को ही प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इट सी इज द क्वीन इन रियल सेंस द मदर ऑफ कॉलोनी, तो जो क्वीन है वो कॉलोनी में मदर का काम करती है। तो ईच कॉलोनी इन मदर वर्क, एक तरीके से यह मदर का वर्क करती है। बाई ए नंबर ऑफ अटेंडेंट एंड नेवर अलॉटेड बाई द ड्यूटी एक्सपर्ट एक्सेप्ट एग लेइंग इन द एग्स लेइंग इज द सोल फंक्शन ऑफ द क्वीन था थ्रू आउट हर एक्टिव लाइफ स्पान, तो क्वीन क्या करती है कि हर जो है लाइफ को एक्टिव करती है, और एक तरीके से क्वीन जो होती है वो मेनली एक्टिव लाइफ स्पान का काम करती है, एक्टिव लाइफ स्पान का काम जो है क्वीन करती है, कि हमेशा क्वीन जो है एक्टिव लाइफ स्पान का ही काम करेंगे। अब छात्रों यहाँ पे जो एक्टिव लाइफ स्पान है, अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्वीन का लाइफ स्पान क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं आपको कि द क्वीन इज 15 to 20 mm इन लेंथ, तो क्वीन का जो लंबाई है छात्रों द क्वीन इज 15 to 20 mm इन लेंथ। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हमें क्वीन है तो क्वीन का जो वर्क है वो क्या करता है कि फीमेल फर्टाइल और प्रोवाइड विथ डेवलप ओवरी का काम करेगा। फिर ये कॉमनली वन क्वीन फाउंड इन ईच हीव, एक कॉलोनी में जो क्वीन होते हैं एक छत्ते में एक ही पाए जाएंगे, और इसके बाद क्वीन जो है कॉलोनी में एक तरीके से मदर का वर्क करेगी, और उसका वो एक्टिव लाइफ स्पान भी बताते हैं। और यहाँ पे द क्वीन इज
15 to 20 mm इन लेंथ। क्वीन का जो लंबाई है वो 15 से 20 mm होता है एंड कैन बी ईजली डिस्टिंग्विश्ड बार हर लॉन्ग टैपरिंग एब्डोमेन शॉर्ट लेग्स एंड विंग्स। इसमें क्या है कि आपके शॉर्ट विंग लेग्स इत्यादि पाए जाते हैं, आपके शॉर्ट लेग्स और विंग्स भी पाए जाएंगे। और विंग्स का काम आप जानते ही हैं छात्रों कि वह उड़ने का काम करते हैं। और विंग्स द शॉर्ट लेग एंड विंग्स शॉर्ट लेग एंड विंग्स तो विंग्स हमेशा क्या करता है कि वो फ्लाइंग करने का काम करता है छात्रों। जैसे मान लीजिए कॉलोनी से बाहर भी जाना हुआ तो वो फ्लाइंग करने के लिए विंग्स और शॉर्ट लेग्स भी पाए जाते हैं। और इसमें जो मेनली पॉइंट है कि वन क्वीन लेज अबाउट वन क्वीन लेज अबाउट लेज अबाउट 15,000 to 20,000 eggs in a day, 15,000 to 20,000 eggs is one day, एक दिन में यह 15,000 से 20,000 अंडे को जो है लेज करते हैं छात्रों। 15,000 से 20,000 एक्स को जो है कि लेज करते हैं, सॉरी 1,500 to 2,000 एक्स एज वन डे, या आप डेली कह सकते हैं कि एक क्वीन एक दिन में 1,500 से 2,000 अंडे को छोड़ते हैं। द क्वीन इज ड्यूरिंग अपॉन सीजनल वेरिएशन एंड अदर इकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये क्या है कि परिस्थितिकी के अनुसार जो है वर्क करते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर के अनुसार जो है अंडे को देते हैं और या छोड़ते हैं। आप कह सकते हैं कि इनका जो एक्चुअल पीरियड्स है जो ब्रीडिंग का या जो एक तरीके से पॉलिनेशन का, तो इनका जो आपके विंटर सीजन या स्प्रिंग सीजन में सबसे बेस्ट टाइम होता है हनी बी का। और हनी बी में जो क्वीन का काम है वो हमेशा क्या है फर्टिलाइज करने का काम करता है, फर्टाइल एग्स जो है वो उत्पन्न करता है, जिसमें कि वो पर डे के हिसाब से 1,500 से 2,000 अंडे जो है प्रत्येक दिन जो है वो छोड़ती हैं। और द ड्रोन रिलीज 2 crore स्पर्म। अब यहाँ पे जो ड्रोन की बात आती है, अभी हम ड्रोन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका मेनली जो अभी इसी पॉइंट में हम ड्रोन को दिखाते हैं कि ड्रोन रिलीज 2 crore स्पर्म, ड्रोन रिलीज 2 crore स्पर्म, ड्रोन रिलीज 2 crore स्पर्म विच आर सफिशियंट फॉर द फर्टिलाइज सफिशियंट स्पर्म आर सफिशियंट सफिशियंट फॉर द फर्टिलाइज ऑफ द एग्स फॉर द फर्टिलाइज फर्टिलाइज्ड एग्स। कहने का मतलब है छात्रों कि ड्रोन जो होता है अगर रिलीज करेगा एक बार में तो 2 crore स्पर्म जो है वो क्या होता है कि फर्टिलाइज के लिए सफिशियंट है, सफिशियंट है। द टोटल वेट ऑफ 100 एक्स इज इक्वल टू हर बॉडी वेट, द टोटल वेट ऑफ 100 एक्स द टोटल वेट ऑफ 100 एक्स इज इक्वल टू हर बॉडी वेट इज इक्वल टू हर बॉडी वेट बॉडी वेट। कहने का मतलब छात्रों कि इसमें 100 एक्स जो होता है वो
क्या है, इक्वल होते हैं हर बॉडी वेट, हर एक जो है हनीबी में। ये जो क्वीन की बात आई तो यहाँ पे जो 100x लगभग बराबर होते हैं, एक समान होते हैं, तो यहाँ पे टोटल एक्स की बात आई है, टोटल वेट ऑफ 100x का इक्वल होता है, बाकी अदर हो अलग हैं इन द होल लाइफ स्पान ऑफ 2 to 5 years ऑफ ए क्वीन लेज अबाउट 15 lakh x। तो जो होल लाइफ स्पान, द होल लाइफ स्पान ऑफ द क्वीन इज द 2 to 5 years। कहने का मतलब है कि ये आपके 5 years होते हैं, द टोटल लाइफ स्पान, द लाइफ स्पान ऑफ क्वीन इज 2 to 5 years। ये आपका जो लाइफ स्पान है क्वीन का, वो है आपका जैसे टोटल लाइफ या होल लाइफ स्पान, आप कह सकते हैं द होल लाइफ स्पान ऑफ क्वीन इज 2 to 5 या 2 से 5 वर्ष होता है। और इसी 2 से 5 वर्ष में कम से कम आपके जो है 15 lakh x जो है उत्पन्न करते हैं, कितना, 15 lakh, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 15 lakh जो है एक्स बनाते हैं छात्रों। ये हमारे जो क्वीन की बात आई कि क्वीन जो है उनका जो लाइफ स्पान है, लाइफ स्पान आपके जो है 2 से 5 वर्ष है, और 2 से 5 वर्ष में 15,000 जो है 15 lakh जो है एक्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं 5 वर्ष में छात्रों। और सबसे बात यह है कि क्वीन की जो बात आई है, तो क्वीन आपका हमेशा फर्टिलाइज एक्स को ही उत्पन्न करते हैं, उनका वर्क करते हैं, और क्वीन की जो साइज है वो 15 से 20 mm है, और इनमें जो है लंबाई के साथ साथ इनमें शार्ट लेग्स और विंग्स पाए जाते हैं छात्रों। और एक क्वीन कम से कम एक दिन में 1500 से 2000 एक्स जो है उत्पन्न करते हैं, और ड्रोन जो है रिलीज करेगा एक बार में कम से कम 2 crore स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज के लिए सफिशियंट माना जाता है छात्रों। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन किया जाता है कि ड्रोन वन टाइम में कितना जो है स्पर्म रिलीज करता है, तो ड्रोन वन टाइम में 2 crore स्पर्म रिलीज सफिशियंट बाई फर्टिलाइज एक्स। द लाइफ स्पान, होल लाइफ स्पान 2 to 5 years, और 2 to 5 years अंडर द 15 lakh एक्स प्रोड्यूस। तो छात्रों यहाँ पे आपको 2-3 बातें याद रखना है कि इनका होल लाइफ स्पान कितना हो सकता है, कितने वर्ष, और ड्रोन एक समय में स्पर्म की संख्या कितना रिलीज करता है, और क्वीन एक दिन में कितने अंडे प्रोड्यूस करती है, लेइंग करती है 1500 से 2000। तो आपको 2-3 चीज़ आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है वर्कर। अब छात्रों वर्कर की बात आई है कि वर्कर का काम क्या हो सकता है, जो 3 कास्ट आपके हैं, तो एक कास्ट के बारे में हमने आपको बताया, अब दूसरा है वर्कर। और वर्कर का आप जानते हैं कि वर्कर का काम होता है ड्यूटी ऑफ कॉलोनी आउटडोर टू इनडोर। एक तरीके से वर्कर हमेशा जो है बाहर और भीतर के कॉलोनी को जो है वो मेंटेन करता है। तो अगर आपको देखा जाए तो जो वर्कर हैं, तो वर्कर हमेशा आपको जो है पूरी कॉलोनी को मेंटेन करने का काम करते हैं छात्रों। तो इस तरीके से आपको दूसरा पॉइंट जो वर्कर की बात है, तो दूसरी कास्ट है आपकी वर्कर। वर्कर जो है मेनली आपको एक कॉलोनी में, ऑल्दो द वर्कर आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 कास्ट, बट दे फंक्शन एज द मेन स्प्रिंग ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी लाइक हनी बी कॉलोनी। लाइक द क्वीन, क्वीन दे आर ऑल्सो पाउच फ्रॉम द फर्टाइल एक्स लिड।
बाई द क्वीन एंड ली हीव द चैम्बर्स ऑफ द वर्कर सेल्स। तो कहने का मतलब है कि जो वर्कर जो होता है हीप में वर्कर सेल्स का निर्माण करता है। द वर्कर इज वर्कर सेल, वर्कर सेल ऑफ द हीप। तो हीप में यह वर्कर सेल का काम करते हैं। और द वर्कर्स द टोटल इंडोर एंड आउटडोर ड्यूटी ऑफ द कॉलोनी आर परफॉर्म्ड बाई द वर्कर ओनली। द टोटल इंडोर एंड आउटडोर ड्यूटी द आउटडोर एंड इंडोर ड्यूटी ऑफ द कॉलोनी, ड्यूटी ऑफ द कॉलोनी ऑफ कॉलोनी ऑफ आर परफोरेटेड बाई द वर्कर सेल। कॉलोनी आर परफोरेटेड बाई वर्कर। तो मेनली जो आपके कॉलोनी है, कॉलोनी में चाहे वह आउटडोर ड्यूटी चाहे इनडोर ड्यूटी हो, तो टोटल का काम जो है आपके वर्कर ही करते हैं, वर्कर ओनली। वर्कर के अलावा जो है दूसरा कोई वर्क नहीं करता है। छात्रों, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है कि वर्कर हमेशा वो ड्यूटी आउटडोर और इनडोर ड्यूटी ही करता है। फ़र्क ये है कि आउटडोर और इनडोर ड्यूटी कंटिन्यू करेगा और उसमें केवल आपके वर्कर ही करेगा, ना कि क्वीन और ड्रोन करेंगे। इट टेक्स 21 डेज इन द डेवलपमेंट फ्रॉम द एग टू द एडल्ट एंड टोटल लाइफ स्पान ऑफ वर्कर इज अबाउट 6 वीक। तो वर्कर का जो लाइफ स्पान है, द लाइफ स्पान ऑफ वर्कर इज 6 वीक, 6 सप्ताह है। छात्रों, इनका जो टाइम है, वर्कर का जो स्पान लाइफ स्पान है वह 6 सप्ताह होता है, 6 सप्ताह से ज़्यादा नहीं होता है। और यह क्या करता है कि एक्स के जो है 21 डेज के बाद डेवलपिंग करने के बाद जो है यह एडल्ट में जो है परिवर्तन हो जाता है। कितने दिन के बाद? 21 डेज के बाद वह एडल्ट में जो है फॉर्म कर जाता है, एडल्ट में बदल जाता है। छात्रों, तो यहाँ जो वर्कर का काम था तो वो है वर्कर इज द वर्कर सेल ऑफ द हीप। वर्कर क्या है कि वर्कर सेल का जो है काम करता है वो हीप में एक छत्ते में। जैसे भी क्वीन का काम था कि क्वीन जो है एक छत्ते में एक होती, वैसे वर्कर सेल भी जो है हीप में पाए जाते हैं और वह एक सेल का निर्माण करते हैं। और जो वर्कर का लाइफ स्पान है वो 6 सप्ताह है। छात्रों, अब अगला है आपका ड्रोन। अब ड्रोन की बात आती है तो ड्रोन हमेशा काम करते हैं आपके जो है एक तरीके से। अब वर्कर सेल में थोड़ा सा और है कि अभी वर्कर सेल में आपके लाइफ स्पान बताया, थोड़ा सा और है कि वर्कर सेल करता क्या है कि एक तरीके से दैट इज़ व्हाई दे आर प्रोवाइड विद सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर वर्क। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर पर्टिकुलर वर्क। पर्टिकुलर वर्क क्या है? जैसे पहला है कि वर्कर जो है क्या वर्क करता है, तो पहला लॉन्ग प्रोबोसिस फॉर सकिंग द नेक्टर
सकिंग द नेक्टर। तो छात्रों, जो वर्कर है उनमें कुछ पर्टिकुलर वर्क है, जैसे वर्कर के माउथ में जो प्रोबोसिस पार्ट है वो लॉन्ग होता है, बड़े हैं, और प्रोबोसिस की सहायता से, प्रोबोसिस में जो माउथ पार्ट की तरफ होगा उससे क्या करता है, सकिंग द नेक्टर फ्लावर में वो आपको जो सकिंग करने का काम करते हैं। सेकंड आपका है कि स्ट्रांग विंग फॉर फैनिंग, स्ट्रांग विंग फॉर फैनिंग, यह एक तरीके से फैनिंग का काम करते हैं, जैसे उड़ाने का काम करते हैं फैनिंग, वो हवा देने का काम जैसे करते हैं, फैन होता ना, फैन क्या करता है, हवा। तो यहाँ पे जो पंख, एक तरीके स्ट्रांग विंग्स जो होंगे, जो पंख हैं वो एक तरीके से फैन के जैसे वर्क करते हैं, इसलिए इसमें जो आपको कहते हैं कि उड़ करके बाहर गए, फ्लावर को सकिंग किए, फिर उड़ करके हीप में पहुंच गए छात्रों, उसी के तर्ज पे जो है कि इनको जो है कुछ पर्टिकुलर वर्क है इनका। इनके बाद जो है कि वर्कर का काम कॉलोनी का तो है ये है, कॉलोनी में जो वर्क करेंगे वो किस टाइप से करेंगे, जैसे आपको बताएं कि लॉन्ग प्रोबोसिस की सहायता से सकिंग करने का काम करेंगे, दूसरा है विंग की सहायता से फैनिंग, स्ट्रांग विंग्स जो है, मजबूत जो पंख हैं वो पंख से जो है उड़ान भरने का काम करते हैं कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, फिर फ्लावर से हीप पे कैसे जो है आ जाते हैं, और फिर हीप में अपना वर्क करके फिर वो आउटडोर ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। अगला पॉइंट है इनका थर्ड वर्क क्या है कि पॉलन बास्केट फॉर द कलेक्शन ऑफ पॉलन, पॉलन बास्केट फॉर द कलेक्शन ऑफ पॉलन। अब पॉलन आप समझ रहे हैं छात्रों, पॉलन जो आपको परागकण है, तो पॉलन का काम करते हैं कि वर्कर जो है एक पॉलन बास्केट का काम करते हैं, और पॉलन बास्केट में वो पॉलन को कलेक्ट करके रखते हैं। अब समझिए कि वर्कर का काम कितना हो गया, वर्कर बहुत सारे काम करता है, वर्कर के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि कॉलोनी को जब तक मेंटेन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं, कैसे शहद उत्पन्न होगा, तो वहाँ पे वर्कर ही मेन वर्क करता है। वर्कर अगर न होता तो फिर कॉलोनी जो है अच्छे से डेवलप न हो पाती। अगला पॉइंट है चौथा, पावरफुल स्टिंग टू डिफेंड द कॉलोनी अगेंस्ट द अटैक, वैक्स ग्लैंड फॉर वैक्स सिक्रीशन। तो छात्रों, यहाँ पे जो वैक्स ग्लैंड है वह वैक्स का सिक्रीशन करते हैं। एक तरीके से छात्रों हम आपको बता दें कि यहाँ पे वर्कर जो होता है वह वर्कर सेल बनाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनमें कुछ अलग से वर्क करते हैं, जैसे अगर नेक्टर को सकिंग करना है, और फिर आपके विंग्स जो फैनिंग करते हैं, फिर पॉलन बास्केट और कलेक्शन का काम करते हैं, और वैक्स ग्लैंड होती है जो वैक्स सिक्रीशन करते हैं छात्रों। जैसे अगर हीप बना, छत्ता बना, तो उसमें वैक्स जो जोड़ने का काम करती है, जो एक तरीके से वैक्स मतलब मोम होता है, और वहाँ पे छत्ता जो है पूरी तरीके से चिपका रहता है, तो वैक्स सिक्रीशन करता है, क्योंकि वर्कर के अंदर ही वैक्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और इसी वैक्स ग्लैंड की सहायता से जो है वो पूरे एक तरीके से निर्माण करते हैं हीव का। अगला पॉइंट है ड्रोन, तो ड्रोन क्या करता क्या है, ड्रोन एक तरीके से आपका मेल का काम करता है, कि अब यहाँ हम आपको ड्रोन की बात कहें तो ड्रोन इज़ द मेल वर्क, तो ड्रोन एक तरीके से नर मधुमक्खी का काम करता है, और नर जो है हमेशा जो है अनफर्टिलाइज एग्स को जो है कि वो उत्पन्न करते हैं। द ड्रोन इज़ द मेल मेंबर ऑफ हनी बी, तो तीसरा जो कास्ट है वो आपका ड्रोन, ड्रोन द ड्रोन इज द ड्रोन इज इज द मेल मेंबर इज द मेल
member of honeybee. Male member of honeybee. तो जो ड्रोन है वो क्या करता है कि हनीबी में मेल मेंबर्स का वर्क करता है. द कॉलोनी ऑफ विच फर्टिलाइज द क्वीन सो कॉल्ड ए किंग ऑफ द कॉलोनी. ये आपको किंग कॉलोनी का निर्माण करते हैं. ड्रोन हमेशा जो है किंग का वर्क करते हैं छात्रों. तो यहाँ हमने जैसे अभी आपको क्वीन और जो है कि सेकंड पॉइंट जो आपका वर्कर थे और तीसरा कास्ट जो ड्रोन है. तो ड्रोन हमेशा वो फर्टिलाइज करने का वर्क करते हैं जो मेल मेंबर्स का नाम उनको दिया गया. और इसमें जो फर्टिलाइज द क्वीन सो कॉल्ड एज किंग कॉलोनी दे आर दे टेक 24 डेज डेवलप फ्रॉम द एग्स द एडल्ट स्टेज. 24 डेज में जो है कि यह एडल्ट स्टेज में परिवर्तन करता है. एडल्ट स्टेज 24 डेज में जो है कि एक तरीके से डेवलप करने का काम करता है एग्स को एडल्ट स्टेज में. अब यहाँ 24 डेज में जो है एग्स टू एडल्ट्स. तो एग्स को एडल्ट में जो है चेंजेस कर देता है 24 दिन बाद. नेक्स्ट पॉइंट है कि द वैक्स ग्लैंड आर एब्सेंट बट इन द मेल. ड्रोन में वैक्स ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं. द ड्रोन एब्सेंट द ड्रोन इज वैक्स ग्लैंड इज एब्सेंट. ड्रोन में जो है आपका वैक्स ग्लैंड्स नहीं होता. द ड्रोन एब्सेंट इन वैक्स ग्लैंड. छात्रों यहाँ पे जो ड्रोन होता है उसमें वैक्स ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं. बट इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर वेरी वेल डेवलप. दे आर रेयर्ड फ्रॉम द अनफर्टाइल एग्स इज लार्ज ड्रोन सेल. क्या ड्रोन सेल में क्या है अनफर्टाइल एग्स फाउंड ड्रोन सेल्स में अनफर्टाइल एग्स होते हैं. अभी क्वीन की बात कहे थे तो क्वीन में क्या होता था फर्टाइल फीमेल कहा गया था फर्टाइल एग्स उत्पन्न करते हैं. और ड्रोन जो होता है क्या होता है कि वो अनफर्टाइल एग्स जो है बनाते हैं निर्माण करते हैं. ड्रोन आर टोटली डिपेंड ऑन द वर्कर एंड हैव बीन सीन बिगिनिंग ऑफ द हनी फ्रॉम द वर्कर्स. ड्रोन क्या है वह वर्कर सेल के ऊपर द ड्रोन ऑफ वर्कर सेल हमेशा ड्रोन जो होता है वर्कर सेल के ऊपर जो है डिपेंड होता है छात्रों. या ये नहीं कि वो अलग से कहीं पे जाएगा. वो हमेशा जब भी डिपेंड करेगा टोटल वर्क वो क्या करता है वर्कर सेल के ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे कि हमने आपको कहा कि क्वीन तो क्वीन में जो आपका वो फर्टिलाइज एग्स का उत्पन्न करती थी और ड्रोन जो है मेल मेंबर का वर्क किया. मेल मेंबर में आपका किंग का काम करता है वह एक तरीके से फर्टिलाइज करने का काम करेगा. ये सर ड्रोन सेल जो होते हैं अनफर्टाइल एग्स होते हैं. लेकिन कारण ये है कि हमेशा ड्रोन ही आपका वो फर्टिलाइज करने का काम करता है. और यहाँ पे जिसे अगर देखा जाए तो एक्स के बाद जो एक्स जब परिवर्तन करता है एडल्ट में तो 24 दिन के बाद ही करता है. और सत्य बात यह है कि ड्रोन में जो होता है वैक्स ग्लैंड भी नहीं पाए जाते हैं. इतना आपको याद रखना है. और इसमें जो आपके अनफर्टिलाइज एग्स है और ड्रोन सेल हमेशा डिपेंड रहता है वर्कर सेल पे. इतना आपको बात याद रखना है कि ड्रोन जो होता है वो वर्कर सेल पे डिपेंड होता है. कि वर्कर जो होते हैं कि जो वर्कर कास्ट है कितना अच्छा वर्क करती है उसी के आधार पे जो है ड्रोन वर्क करेगा छात्रों. तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनीबी. तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनीबी में मेनली आपके 3 कास्ट पाए गए थे.
क्वीन वर्कर और ड्रोन्स, जो कि क्वीन हमेशा आपको फर्टाइल एग्स का काम करती है और जो आपके वर्कर होते हैं वो आउटडोर और इंडोर ड्यूटी को निभाते हैं और जो ड्रोन होता है वह मेल मेंबर का वर्क करता है। तो छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनीबी और इसको हमने आपको बताया। थैंक यू।